खबर चूरू के सुजानगढ़ से है, जहां लोगों में देश प्रेम की भावना जगाने के लिए गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर सिद्धपीठ सालासर धाम से विशाल तिरंगा पदयात्रा निकाली गई। इस यात्रा को हनुमान सेवा समिति अध्यक्ष यशोदा नंदन पुजारी और भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य मांगीलाल पुजारी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान तिरंगा पदयात्रा शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए बालाजी गौशाला संस्थान पहुंचकर समाप्त हुई। इस मौके पर हाथों में तिरंगा लहराते हुए बच्चों ने लोगों को देश प्रेम का संदेश दिया। वैसे हमने ये 101 बड़े पोल पे जो है 50 फीट का राष्ट्रीय ध्वज भी हम 15 अगस्त 26 जनवरी को लगाते हैं, और वैसे तो 10 साल से हम लगातार झंडा 15 अगस्त 26 जनवरी को फहराते हैं, लेकिन 4 साल से लगातार हम तिरंगा यात्रा भी निकालते हैं। और देशवासियों प्रदेशवासियों को मैं बधाई देना चाहता हूँ। हमारा उद्देश्य जो है वो देश में एकता अखंडता आपस में भाईचारा सौहार्द ऐसी परंपरा कायम रहे, ऐसी जन भावनाओं के साथ हम ये पर्व मनाते हैं।